कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आप लोगों ने इतनी भर भर के रिक्वेस्टिंग की, तो आज मैं वही रिक्वेस्ट लेके आ गई हूँ जैसा कि आप लोग थंबनेल और टाइटल में देख के समझ चुके होंगे। तो इसके पहले एक डिस्क्लेमर दे देती हूँ कि जैसा कि आप लोगों को सबको पता है, जहाँ तक जितने लोगों ने मुझसे पूछा है, मैंने सबको यही जवाब दिया है कि मेरी जो डिलीवरी है वो नॉर्मल है। मतलब मेरी सिजेरियन नहीं है, मेरी नॉर्मल डिलीवरी है, कोई ऑपरेशन ऑपरेशन नहीं हुआ है। और मैं इस बात से बहुत हैप्पी हूँ। आप लोगों को मेरी जो भी मैं आज आपको बताऊँगी, अगर आप उन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो ये डेफिनेटली आपकी जो डिलीवरी है वो नॉर्मल हो जाएगी। और मैं यहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ, बट मैंने जिस तरीके से जो चीज़ें की हैं, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो उसी का नतीजा है कि मेरी डिलीवरी नॉर्मल हो गई है। क्योंकि उस टाइम पे जब मेरी डिलीवरी थी, उस टाइम पे मैं वीक थी। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं और आपको बताऊंगी मैं अलग अलग। वीडियो लंबा हो सकता है बट हेल्पफुल बहुत ज़्यादा है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी, सब्सक्राइब करना है तो कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री है, कमेंट भी कर सकते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन है आपका तो मैं वहाँ पर आपको आंसर कर दूँगी। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि मेरी शादी हम लोगों ने 2016 में मैंने शादी कर ली, और 2016 के बाद 2017 में हम लोगों की शादी हमारे पेरेंट्स ने की। 2017 में पेरेंट्स ने हम लोगों की शादी की, तो एक साल का पूरा गैप हो चुका था। ऑलवेज़ मैं 19 रनिंग में थी जब मिशिका मेरे मतलब पेट में आई। बहुत ही मैं क्योंकि बुंदेलखंड से हूँ तो मुझे ज़्यादा चीज़ें नहीं आती हैं जो मैं जिस लैंग्वेज को मैं यूज़ करती हूँ। अगर आप लोगों को गमार लगती है, कुछ भी लगती है, तो प्लीज़ डोंट माइंड करना। आप सिर्फ उस चीज़ पे ध्यान देना जो मैं बोल रही हूँ, उस चीज़ पे मत ध्यान देना कि मैं किस तरीके से बोल रही हूँ। हाँ, तो जब मेरी बेटी मैं प्रेगनेंट हुई, मुझे कुछ भी नहीं पता था कि मैं प्रेगनेंट हूँ। मेरी शादी के 3-4 महीने के तुरंत बाद, घर वालों की मर्ज़ी से शादी के 3-4 महीने के तुरंत बाद मिशिका मेरे पेट में आ गई थी। और मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि मेरी मतलब मैं प्रेग्नेंट हूँ। और मुझे पता क्यों नहीं था, अब सोचो, आपके मेरे 2 महीने निकल गए थे और मुझे ये अंदाज़ा कहीं से कहीं तक नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्योंकि इसलिए मुझे पता नहीं चला क्योंकि मेरा जो टाइम होता है, जो आपका अगर आपका पीरियड टाइम टाइम पर नहीं आ रहा है तो आपको समझ में नहीं आता कि आप प्रेग्नेंट हो या नहीं हो। तो मेरे साथ यही कि आफ्टर मैरिज के बाद मेरे साथ क्या होने लगा था कि मेरा जो पीरियड टाइम होता था वो कभी कभी 1 महीने छोड़ के हो सकता था अगले महीने आए। उस टाइम पे मैं इतनी वीक भी नहीं थी, तब भी मेरे साथ यही होता था। तो मेरा जो टाइमिंग था वो इस तरीके से था, तो मैं इसी में थी कि शायद पीरियड नहीं आया, लेकिन मुझे ये कहीं नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। प्रेग्नेंट होने के बाद जब मुझे मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब होने लगी, जैसे कि वॉमिटिंग होना, भूखना लगना, ऐसा लगता था किसी के घर का खाना मिल जाए तो मैं फटाक से खा लूँ, और अपने घर का खाना मैं मतलब जो खाना मैं खुद बनाती थी उसको खाने का कहीं से कहीं तक मेरा मन नहीं होता था। कई लोगों के साथ ऐसा होता है, ओनली मैं नहीं हूँ, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता था। जब मैं उस दौर से गुजर रही थी तो मैं बहुत सारे लोगों से पूछती थी कि ऐसा क्यों होता है, तब मुझे पता चला कि ये सबके साथ होता है, सबके नहीं, 50% लोगों के साथ यही होता है। तो मैं जब हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने हमें बताया कि मतलब चेकअप वैकअप हुआ तो मुझे समझ में आया मैं प्रेग्नेंट हूँ। पता चला लाइक मेरे लिए प्रेगनेंसी लाइक ये खुशी जितनी बड़ी थी उतनी ही डर लग रहा था अंदर से कि अभी मैं एक अच्छी बहू नहीं बनी, अभी मैं एक अच्छी बेटी बेटी तो मैं नहीं थी, हूँ भी नहीं शायद, लेकिन अगर मैं एक अच्छी बहू नहीं हूँ अभी, हो सकता है मुझे अभी अच्छी पत्नी भी ना हो, एक अच्छी माँ कैसे बनूँगी। और वो डर हर लेडी के अंदर आता है जब उसको पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, तो उसके अंदर ये डर आता है कि हम हमारे बच्चे को कैसे पालेंगे, हमें तो ये नहीं आता, हमें तो वो नहीं आता, हमें तो कुछ भी नहीं आता। तो वही था मेरे को, मुझे बहुत ज़्यादा अंदर से डर लगता था, बट मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं सोचती थी जब जो होगा तब होगा, आज भी मैं वैसे ही सोचती हूँ कि जब जो होगा तब होगा। अभी भी मैं सोचती हूँ जब मिशिका स्कूल जाएगी तो मैं कैसे मैनेज करूँगी। मैं बहक रही हूँ अपने पॉइंट से, हाँ तो सॉरी, तो मैं बता रही थी। तो फिर जब मेरे साथ ऐसा हुआ तो फिर मैंने घर वालों मतलब पापा जी को पता, मैं उस टाइम पे दमों में थी, तो मेरे पापा जी को पता चला तो वहाँ पे डॉक्टर आपको इतना बड़ा कार्ड दे देता है कि आपको क्या चीज़ें फॉलो करनी है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। वो कार्ड क्योंकि वहाँ पे मेरी मम्मी जी तो थी नहीं, तो वो कार्ड पापा जी ने लिया, पूरा उसको रीड किया, और जो जो चीज़ें उसमें फॉलो करने के लिए था वो मैंने बाद में फॉलो किया पापा ने, कि मुझे ज़्यादा वज़न नहीं उठाना है। तो हमेशा वो ऐसा कुछ करते थे कि ताकि मुझे कोई वज़न ना उठाना पड़े, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है तो पानी पिया ऐसे लगे रहते थे करने के लिए। मेरे पापा बहुत अच्छे हैं यार, शायद ऐसे फादर इन लॉ सबको मिले। तो उन्होंने मुझे बहुत मेरी उस टाइम पे मुझे 3 महीने तक इतनी परेशानियाँ हुई कि पूछो मत।
फिर जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी तो फिर हम लोग छतरपुर में आ गए। तो यहाँ पे 3 महीने मुझे स्टार्टिंग में पेन भी रहता था, आप लोगों को शायद होता होगा, मुझे पेन भी रहता था, वॉमिटिंग भी होती थी, भूख भी नहीं लगती थी। फिर 3 महीने से हम फिर हमें 3 महीने कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लाइक 3 महीने निकल गए तो 3 महीने मैंने आराम से अपना चल गया। लेकिन उस बीच में मैंने एक चीज़ अपने दिमाग में बिठा ली थी कि मेरी जो डिलीवरी होगी वो नॉर्मल चाहिए, मुझे सिजेरियन नहीं चाहिए, ऑपरेशन मुझे नहीं करवाना है। क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों जब भी मुझे पता चलता था तो मैं बहुत डर जाती थी अंदर से। तो तब मैं क्या करती थी, ज़्यादातर किन चीज़ों पे फॉलो करती थी कि मैं बहुत ज़्यादा टहलती थी, घर का जो काम होता था जैसे मैं आज करती हूँ तब भी मैं वैसे ही काम करती थी। ये एक रूम है, मम्मी जी के यहाँ पे 4 रूम है, तो मैं वहाँ पर झाड़ू पोछा बर्तन जो भी घर का काम होता ना, घर का काम मैं पूरा करती थी लाइक। और शाम को बहुत ज़्यादा खाना पीना खाने के बाद टहलती थी। और आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगी कि अगर आप लोग ओनली बेड पर पड़े रहोगे, काम नहीं करोगे, हाथ पैर नहीं चलाओगे, आई नो पेन होता है, मुझे भी होता था, मैं तब भी ज़बरदस्ती उठ उठ के करती थी, क्योंकि अगर आपको नॉर्मल डिलीवरी चाहिए है तो आपको करना पड़ेगा। कई लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि वो 9 महीने तक रेस्ट करते हैं और डॉक्टर भी उनको बेड रेस्ट दे देता है। लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि कभी कभी हमें डॉक्टर की बातों को अनदेखा अनसुना टाइप का करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो फिर वो मैं अपना काम वाम करती थी, सारी चीज़ें, जहाँ से मेरा 7वां महीना स्टार्ट हुआ, 7वां महीना स्टार्ट, मुझे पेन फिर होने लगा। जब मुझे पेन होने लगा तो हम लोग डॉक्टर के पास गए, रेगुलर चेकअप हर महीने चल रहा था। जब हम 7 महीने के बाद डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपका जो बेबी है वो पूरा हो चुका है, बन चुका है, लेकिन आपका जो डिलीवरी है वो नॉर्मल नहीं होगी, आपको सिजेरियन करवानी पड़ेगी और 7th मंथ का बेबी होगा। कई लोगों के साथ ऐसा होता है, तो डरने की कोई ऐसी बात नहीं है। तो आप लोगों को 2 दिन का टाइम है, सोच लो आपको करना क्या है। पेन इतना ज़्यादा कि लाइक मुझे ऐसा लगता था कि मेरी डिलीवरी अभी हो जाएगी, इस टाइप का पेन मुझे बहुत ज़्यादा हो रहा था उस टाइम पे। तो हम लोगों ने 2 दिन सोचा समझा, फिर हम फिर दोबारा डॉक्टर के पास गए और मैंने वहाँ पे बोला कि मैं बच्चा अभी नहीं करना चाहती हूँ, मुझे ये डर लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि प्री मेच्योर बच्चा हो जाए। फिर वहाँ पे बहुत सारी प्रोसेसिंग हो जाती है, माँ को बच्चे से दूर रहना पड़ता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि सब लोग मेरी फैमिली में जॉब करते हैं, तो इतना किसी को एक दिन इंसान टाइम एक दिन अपना टाइम निकाल सकता है, 15 दिन वो आपके पास रुक सकता है, लेकिन महीनों कोई नहीं रुक सकता। जब तक मैंने कई लोगों के केसेस ऐसे देखे हैं कि जब बच्चा प्री मेच्योर होता है तो 1-1.5 महीने बच्चा मशीन में होता है, तो वो उतनी केयर नहीं हो पाती है। तो मैं इतना ज़्यादा डर रही थी उस टाइम पे, इतना ज़्यादा कि पूछो मत। फिर मैंने इतनी सारी मुश्किलें निकाली, आप सोचो 7 महीने से लेके मैंने 9 महीने तक वो पेन सहा, एवरी डे मुझे वो पेन होता था, लाइक ऐसे कि जैसे डिलीवरी का पेन हो रहा है, बस पूछो मत कितना पेन होता था। अगर आप लोग माँ बन चुके हो तो आप लोगों को एहसास होगा कि डिलीवरी का पेन कितना तेज़ होता है, तभी मुझे इतना तेज़ पेन हो रहा था। देन जब हम लोगों फिर डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर हमेशा एक ही चीज़ सजेस्ट करे, हमने बोला हमें नहीं करना है, कुछ बताइए, दवाइयाँ बताइए, कुछ करिए ताकि हम लोग बच्चा जो है वो डिलीवरी जैसा कुछ ना हो और हमें ऑपरेशन तो करवाना ही नहीं है। तो फिर डॉक्टर ने बोला कि आपको एक काम करना पड़ेगा कि एक इंजेक्शन बताया उन्होंने, मुझे नहीं पता क्या है वो इंजेक्शन बताया, उन्होंने बोला कि आपको बैक टू बैक लगवाना पड़ेगा, एक दिन छोड़ के एक दिन लगवाना पड़ेगा। तो मैं बहुत ज़्यादा डर चुकी थी कि 3 महीने मैं कैसे इंजेक्शन लगवाऊंगी, और फिर भी मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अगर इतना सहना है तो सह लेंगे। और वो जो इंजेक्शन था वो मुझे जब लगता था उस टाइम पे इतना पेन होता था कि लाइक मुझे लगता था कि मैं तब तक ज़िंदा भी रहूँगी कि नहीं। और मुझे एक इंजेक्शन वो लगता था और एक इंजेक्शन और लगता था, क्योंकि वो इंजेक्शन जो होता था वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता था, अगर वो सिंगल आपको लग जाए ना तो आप बेहोश हो जाओ, इसलिए 2 इंजेक्शन लगते थे। अब आप खुद सोचिए कि जब 2 इंजेक्शन लग रहे हैं और एवरी डे तो नहीं लेकिन एक दिन छोड़ के एक दिन भी लग रहे हैं, तो आपको इतने 3 महीने कैसे निकालोगे। फिर भी मैंने सहा बहुत, हम लोग डॉक्टर के पास आए दिन जाते थे, तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी उस बीच में कि फिर डॉक्टर के पास और मैं खड़ी भी नहीं हो पाती थी, और फिर भी मैंने काम करना नहीं छोड़ा, मैंने टहलना नहीं छोड़ा, मैं करती थी चाहे जैसे भी करती थी। बाबू मुझे पकड़ के, कई लोग बोलते हैं आपके हस्बैंड आपकी केयर नहीं करते, तो ऐसा नहीं है, सबका अपना काम होता है इसलिए वो अपना काम करते हैं। उनकी केयर अगर आप लोग देख लोगे ना, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो ऐसा सोचते हैं कि मेरे हस्बैंड मेरी केयर नहीं करते हैं, जिस दिन आप लोग देख लोगे ना उनकी केयर की वो कितनी केयर करते हैं, तो आप लोग जो बोलते हो ना आपका बंद हो जाएगा, क्योंकि उस बंदे की जितना मेरे हस्बैंड के जितना मेरी केयर कोई नहीं कर सकता,
इनफैक्ट मुझे तो कभी ये नहीं लगता कि उनके मुकाबले कोई इतनी केयर मेरी कर सकता है। आपको पता है जब मुझे पेन होता था तो नाइट के टाइम पे क्या होता था, डे में तो आप निकाल लोगे, टीवी देख लोगे, अपना ध्यान मोबाइल चला लोगे, बात कर लोगे, बाबू रहते थे ऑल टाइम, लेकिन जब नाइट का टाइम होता था तो मुझे पेन और ज़्यादा होता था, इतना ज़्यादा पेन होता था कि मतलब मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाती थी। और जब मुझे वॉशरूम लगती थी, मैं बहुत सेंसिटिव हूँ यार, आप लोग सोचना मेरी आंसू निकल आए तो प्लीज़ डोंट माइंड करना कि तब देखो, जब देखो जब रोने लगती है, बट वो चीज़ मैंने फील की है। और अगर मैं आज भी याद करती हूँ तो मुझे बहुत पेन होता है, लाइक मेरा तो दिल दिमाग काम नहीं करता, अभी पता नहीं मैं क्या बोली। हाँ, तो जब पेन होता था और मुझे वॉशरूम जाना होता था, अब वॉशरूम मेरे रूम से वॉशरूम कुछ नहीं तो 10 कदम की दूरी पे वॉशरूम था, क्योंकि सरकारी क्वार्टर है, पहले एक रूम फिर किचन है, मेरा पहले बेडरूम है फिर किचन है फिर आंगन है फिर वॉशरूम है। अब आप लोग सोचो 10 कदम तक की दूरी होगी, तो मेरे हस्बैंड जो थे वो मुझे लाइक ऐसे गोदी में ऐसे उठा के और लेके वॉशरूम तक जाते थे, मैं वॉशरूम करती थी वहाँ पे, फिर वो मुझे उसी तरीके से उठा के वहाँ रूम तक लेके आते थे। अब आप लोग सोचिए कि एक दिन हो तो आपको पूरी रात नींद नहीं आ रही, तो कम से कम आप कितने बार उठते होंगे। मैं कम से कम रात में 8 बार उठती थी और 8 बार मेरे हस्बैंड मुझे इसी तरीके से वहाँ तक लेके जाते थे, फिर वहाँ से उसी तरीके से लेके आते थे। मैं चल नहीं पाती थी रात का टाइम, पता नहीं मेरे साथ क्यों ऐसा होता था कि रात के टाइम मुझे और ज़्यादा पेन होता था, मैं उठ भी नहीं पाती थी। दिन में मैं झेल जाती थी बट रात में मेरा ऐसे ही होता था। फिर होते 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 एक दिन ऐसी कंडीशन आई कि हम लोगों ने 8वां महीना जो होता है, 8वें महीने में हम लोगों ने सोच लिया था कुछ हो जाए हमें तो अब डिलीवरी करवानी चाहिए, नॉर्मल हो चाहे ऑपरेशन, क्योंकि इतना पेन बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे, वो मुझे देख के परेशान हो चुके थे कि इतना कैसे पेन से बर्दाश्त कर रही है ये। तो फिर हम लोग फिर डॉक्टर के पास गए, फिर वो बोलने लगी ऑपरेशन, और मेरा जैसे ही डॉक्टर ऑपरेशन की घर से मैं सोच के निकलूँ ठीक है करवा लूँ, लेकिन जैसे ही मैं हॉस्पिटल में पहुँचूँ मेरा दम घुटने लगता था, मुझे लगता था मैं गलत कर रही हूँ, मैं ऐसा कर रही हूँ। फिर मुझे लगा कि नहीं, डॉक्टर को तो काम करना है अपना, पैसा बनाना है अपना, हम थोड़ा सा पेन बर्दाश्त कर लेंगे ना 10-15 दिन, अगर मैंने 1.5 महीना निकाल लिया है तो मैं 10-15 दिन क्यों वेट नहीं कर सकती हूँ, कर सकती हूँ। और मैंने वही सोचा, और फिर जब मैंने थोड़ा सा पेन बर्दाश्त करना स्टार्ट किया फिर वही सारी चीज़ें चल रही थी। ऑलराउंडर खाना पीना तो ऐसा है कि फ्रूट्स खाओ, मैं बहुत फ्रूट्स खाती थी, मुझे भूख नहीं लगती थी तो हमारे यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मैं फ्रूट्स ही खाती थी। और नॉर्मल डिलीवरी आपको अगर चाहिए है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा गर्म चीज़ों को अवॉइड करना होता है, क्योंकि गर्म चीज़ें तो वैसे भी नहीं खानी चाहिए, लेकिन आपको बोलूँगी जब आपका 9वां महीना स्टार्ट हो जाए तो फिर आप खाने लगना गर्म चीज़ें, जैसे हल्दी वाला दूध, पपाया, जो भी गर्म गर्म चीज़ें होती वो आप जैसे आपका 9 महीना स्टार्ट होता है प्लीज़ आप खाने लगना। तो फिर मैंने वही किया, मतलब हम लोगों ने फिर ज़्यादा पेन बर्दाश्त किया। देन उसके बाद मेरी जो डेट थी वो शायद पाँच नवंबर की थी, और 7 भी हो सकता था, उसमें था कि 5 से 7 के बीच में। और मिसी का 25 अक्टूबर को मुझे भयंकर वाला पेन होने लगा, लाइक भयंकर तो होता ही था, वही पेन तो मेरी सासू माँ बोलती हैं, क्योंकि था ऐसा था तो वो बोलेंगी, नॉर्मल सा था तो मुझे पेन हो रहा था, तो मेरी सासू माँ बोलते हैं, अरे चलो ये बहुत फ़नी है इसीलिए मैं इस पर ऐड कर रही हूँ, तो मेरी सासू माँ बोलते हैं अरे उसको तो ऐसा पेन होता रहता है, एक काम करो हमें खाना दे दो हम खा लें। तो मैंने आप सोचो मैंने ही खाना निकाला, मम्मी को खाना दिया, क्योंकि मुझे वो इतना पेन हो रहा था तो मुझे बर्दाश्त करने की आदत ही बन चुकी थी। तो मैंने मम्मी को खाना निकाल के दिया, मम्मी ने खाना खाया, मैंने साड़ी डाली, मैं सूखी पहनती थी बट मैंने उस दिन साड़ी डाली। और हम लोगों के यहाँ पे बोलते हैं जब बच्चा मतलब जब आप हॉस्पिटल जाते हो तो छाप छोड़ के जाना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें थी कुछ जो घर के मतलब जो आपकी ईष्ट देव होते हैं उनका क्या होता है, तो वो मम्मी ने मेरे से करवाया। फिर हम लोग मैंने खुद का बैग खुद ही पैक किया, आप ये सोचो कि जिस इंसान की नॉर्मल डिलीवरी हो, ऑपरेशन वाले को पेन नहीं होता, वो तो नॉर्मल ही जाता है ना, लेकिन जिसको खुद पेन हो रहा है वो खुद का बैग खुद ही लगा रहा है, ऐसा नहीं है मम्मी नहीं लगा रही, बट मुझे इतना पेन होता था तो मुझे उतना बर्दाश्त करने की शक्ति थी मेरे अंदर, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि ज़्यादा आज थोड़ा ज़्यादा है। और क्योंकि मेरा टाइम भी हो चुका था तो मुझे लगता था हो सकता है पहले हो जाए, कभी कभी डॉक्टर भी जो डेट देते हैं वो नहीं सही होता है, तो हमें आपको बस यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि कभी कभी जब डॉक्टर हमें डेट देते हैं और हमारी डिलीवरी उस डेट पे नहीं होती, उसके बाद या पहले होती है, तो हम उनको इतना भगवान है, आई नो उनको भगवान का दूसरा दर्जा माना जाता है, दूसरा बोलते हैं कि भगवान का रूप है ये सारी चीज़ें, बट कभी कभी थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगा लो कि कुछ चीज़ें नहीं मानो, क्योंकि उनको तो जस्ट पैसा बनाना है उनको। आप कुछ सोचो नॉर्मल डिलीवरी में
उतना पैसा लगता है, कम लगता है, और सीजेरियन में ज़्यादा लगता है, आप हॉस्पिटल में रुकते हो। तो आजकल डॉक्टरों ने अपना ये बना लिया कि चलो भाई हमारा पैसा बन रहा है, उनको नहीं फर्क पड़ता कि आपको कितना पेन हो रहा है, आप कितना पेन बर्दाश्त कर रहे हो। तो वही सारी चीज़ें हैं। तो फिर जब हम लोग हॉस्पिटल गए, तो हॉस्पिटल में जाने से नर्स ने जब चेक किया, प्राइवेट था हॉस्पिटल, तो जब नर्स ने चेक किया तो उसने बोला कि इनकी, हम लोग गए थे सोचो आप 10 बजे, उन्होंने बोला कि इनकी जो डिलीवरी टाइम है वो है 5 बजे, 5:30 बजे का सुबह। तो मतलब मम्मी को सबको लगा चलो सुबह 5 बजे है, बट इतना पेन हो रहा था मुझे कि मैं लाइक चिल्लाने लगी, और बैक में पेन हो रहा था, हाथ पैर भी बहुत ज़्यादा दर्द दे रहे थे। और थैंक गॉड एक चीज़ वहाँ पे बहुत अच्छी थी कि मुझे जब पेन होता है तो मुझे बाबू, मेरी दवाई है, आप लोग यकीन मानिए कि मुझे दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है जब वो रहते हैं। अभी मुझे सच में मेरा जो बीपी था वो बहुत ज़्यादा लो था, अभी कुछ टाइम पहले, समथिंग आधा एक घंटे पहले बहुत ज़्यादा बीपी लो था, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब लग रही थी, बाबू ड्यूटी चले गए थे। फिर जब मैंने उनको वहाँ से बुलाया, घर बुलाया, थोड़ा बहुत वो मेरे साथ बातचीत किए, फिर मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक लगी और मैं रेडी होकर वीडियो शूट करने लगी, क्योंकि आप लोगों को वीडियो का वेट रहता है, तो मेरा भी पूरा रहता है कि मैं आप लोगों तक वीडियो पहुंचाऊं। कई लोगों को मेरे फेस से नहीं लगेगा, लेकिन ये मेकअप है, मेकअप के नीचे है जो भी है। हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी, हम लोग हॉस्पिटल गए, तो थैंक गॉड वहाँ पे बाबू को आने के लिए परमिशन था, तो फिर बाबू मेरे पास ही रहे। मुझे बैक में पेन हो रहा था, मेरा उन्होंने पूरा मन जो था वो डाइवर्ट करके रखा, बट मुझे समथिंग 12 बजे इतना ज़्यादा पेन होने लगा कि मैं चिल्लाने लगी, तो बाबू भी डर गए भयंकर वाले कि क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया इतना पेन। फिर मैंने उनको बोला बहुत ज़्यादा पेन हो रहा, बहुत ज़्यादा पेन। तब उन्होंने बोला, मैं मतलब बहुत ज़्यादा रो रही थी, तो फिर इन्होंने बोला डॉक्टर से कि उसको पेन हो रहा है, बोले वो एक ही चीज़ पर अटक चुके थे, 5 बजे होगा। और जब ऐसा हुआ तो फिर बाबू बहुत ज़्यादा उन पर चिल्लाए, कहने लगे ऐसे कैसे 5 बजे होगा, सामने वाला इंसान मर रहा है वहाँ पर दर्द में। बाबू बहुत ज़्यादा उनसे, मतलब लिटरली इतनी ज़्यादा बहस हो चुकी थी डॉक्टर से कि वो मुझसे चिढ़ चुके थे तरीके से। उनको कह रहे थे बाप रे ऐसी लड़की पहली बार देखी है, मतलब क्योंकि बुंदेलखंड है ये छतरपुर, तो कहने लगे पहली एक ऐसी देखी है, ऐसा लग रहा है यही पहली माँ बनने वाली है, अभी तक मैंने अपनी 10 साल की जॉब में ऐसी लड़की नहीं देखी जो इतना भयंकर चिल्ला रही है, इतना पेन हो रहा है इसको, और ड्रामा चल रहा है यहाँ पे। मैंने कहा अच्छा मैडम ड्रामा चल रहा है तो आप छुट्टी कर दो, मैं हूँ ऐसी तो क्या करूँ। बाबू बोले छुट्टी कर दो अभी की अभी, अगर नहीं हो रहा है ना तो ज़रूरत नहीं है, आपसे नहीं हो पा रहा है मैं कहीं और ले जाऊँगा, पैसा वहाँ पर भी लगना है, पैसे यहाँ पर आप कोई फ्री में नहीं कर रहे हो, और मेरी बीबी इतना आप तड़प रही है तो एक बार जाके चेक तो कर लो उसको हो क्या रहा है। तो फिर जब उनको डॉक्टर को डांटा जब वो हमारे पास आए, फिर वो बोले ठीक है लिए चलो। फिर हम लोग जब गए वहाँ पे तो उन्होंने देखा तो उनको लगा ठीक है हो सकती है नॉर्मल डिलीवरी, लेकिन जो मिशिका का सर था वो बहुत ज़्यादा बड़ा था, इसलिए कुछ टांके वाँके भी पड़े और मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो गई। और डिलीवरी हुई मेरी 1:04 पे, जहाँ डॉक्टर ने बोला था 5:30 बजे होगी, तो फिर मेरी 1:04 पे डिलीवरी हुई, और मैं ना ही बेहोश हुई ना ही कुछ हुई, और मेरी डिलीवरी बड़ी इजी तरीके से हो चुकी थी। इस टाइम पे पेन हो रहा था, बट जब मिशिका हुई तो पूरा पेन गायब हो जाता है, और वो खुशी बहुत अलग होती है। हम दोनों ही चाहते थे हमें बेटी हो, और ईश्वर ने हम लोगों का सुना और हमें बेटी ही हुई, और लाइक वो खुशी बहुत अलग है। मतलब बाबू तो सुबह तक नहीं आने दे रहे थे, मम्मी लोग बोलती हैं कुछ होता है कि जब तक आप पंडित से अच्छे से दिखवा नहीं लो कि बच्चे, मतलब आप जा सकता है पास में कि नहीं जा सकता है, तब तक आपको नहीं जाना चाहिए बच्चे के सामने। लेकिन मैं तो थी वहाँ पे, और वो फीलिंग बहुत अलग होती है जब बाबू सुबह मेरे पास आए तो मैं शर्मा रही थी, लिटरली मैं इतनी ज़्यादा शर्मा रही थी, मैं ऐसे अपना फेस छुपाई थी और वो इसको खिला रहे थे, प्यारी कर रहे थे। तो वही सारी चीज़ें हैं कि अगर नॉर्मल डिलीवरी चाहिए, मेरी स्टोरी बड़ी सिंपल है, मेरी सारी स्टोरी सिंपल ही रहती है, मुझे नहीं लगता कुछ तड़का भड़का लगाना चाहिए, सिंपल तरीके से मैंने बताया जैसी मेरी स्टोरी है, नॉर्मल स्टोरी है। और हाँ, कि आपको हमेशा मैं यही सजेस्ट करूँगी, पूरी कोशिश कीजिए कि आपकी जो डिलीवरी हो वो नॉर्मल हो, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और बाकी उसके बाद का जो भी है मिशिका का केयर वेयर सब कुछ, वो तो मैं कर रही हूँ, मुझे आता नहीं आता, मुझे खुद नहीं पता कि मैं कितना अपना 100% दे पाती हूँ नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि मैं तो कहीं से सीख के नहीं आई हूँ, लोग मुझे जो बताते हैं मैं उसको फॉलो करती हूँ। कभी कभी मुझे लगता है मैं अच्छी माँ नहीं हूँ, कभी कभी मुझे लगता है मैं बेस्ट कर रही हूँ, तो बस यही है, कभी कभी सारी चीज़ें हो जाती हैं। बट मैंने तो पूरी कोशिश की थी कि मेरी बच्ची, अगर आप सह लोगे थोड़ा सा पेन तो आपको आगे नहीं सहना पड़ेगा, इसलिए मैंने अगर वो 3 महीने का पेन नहीं सहा होता तो मेरी बेटी प्री मेच्योर होती, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो सकता था बाद में।
लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ है। मैंने थोड़ा दर्द सहा और वो दर्द आज मुझे रियलाइज़ नहीं है, उस टाइम पे था और आज नहीं है, और आज सब कुछ बढ़िया है, मेरी बेटी अच्छी है। बस मैं यही भगवान से कहती हूँ कि माता रानी जैसी वो अभी है वैसी ही रहे। मैंने इस वीडियो में एक भी कट नहीं लगाया क्योंकि मेरे जो मुँह से निकला बड़बड़ बड़बड़ बड़ बोलती गई। तो अगर आज का वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो लाइक तो कर ही दीजिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं ज़रूर आंसर करूँगी। और आज का लुक कैसा लगा ये भी बताइएगा, मैं कैसी लगी ये भी बताइएगा। मिशिका को मैं अभी नहीं लाऊंगी क्योंकि वो अपने में बिजी है, और उसके बाद का जो भी केयर, उसका स्किन केयर या उसका रूटीन कैसा होता है डे नाइट, तो मैं धीरे धीरे उसको ब्लॉग में इंक्लूड कर दिया करूँगी ताकि आप लोगों को हेल्प मिल जाए। मेरे सारे ब्लॉग्स से मुझे जहाँ तक लगता है कि कुछ ना कुछ आप लोगों को सीखने को तो मिलता ही होगा। और कल के ब्लॉग में मिशिका इतनी क्यूट लग रही थी, आई नो, बट आपने मेरी बिल्कुल भी तारीफ नहीं की, उसी उसी के करते गए। तो चलिए मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो और ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल माय मिशिकास फैमिली चैनल। अच्छा लगे वीडियो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं लगे तो नेक्स्ट टाइम।